जो कैमरे के थ्रू देख रहे हैं सभी को ईद मुबारक, ढेर सारी बधाइयाँ। पूरी दुनिया में ईद मनाई जा रही है, पूरी दुनिया में छुट्टी मनाई जा रही है, बट आई फील ब्लेस्ड कि आज के दिन भी आई एम स्टार्टिंग माई न्यू ईयर विथ वर्क। एज आई ऑलवेज से कि काम से अपनी शुरुआत करो किसी भी अच्छे त्यौहार की, किसी भी अच्छे दिन की, तो आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाता है। सो आई बिलीव इन दैट। आफ्टर सेलिब्रेटिंग विद द फैमिली, सिंस आप लोग घर आए हैं, आफ्टर सेलिब्रेशन मैं शूट पे जाने वाली हूँ, कवच के साथ मैं अपनी ईद मनाने वाली हूँ। आई थिंक क्योंकि छुट्टी मनाने का मन तभी होता है जब आप काम अच्छा करते हो, जब आपके पास इतना बैंक बैलेंस होता है कि आप छुट्टी मना सको। सो मेरे लिए दिमाग में ये चलता है कि मुझे काम करते रहना है, सो दैट जिस दिन मेरी छुट्टी हो जाए उस दिन मैं सबसे ज़्यादा इन्जॉय करूँ। ईद के दिन ऑब्वियसली सभी को बहुत ऐसी वो होती है कि ईद की शॉपिंग, भले ही आप शॉपिंग कितनी भी कर लें, बट ईद की एक पर्टिकुलर शॉपिंग जो होती है वो एक अलग ही अंदाज के साथ होती है, एक अलग ही थॉट के साथ होती है कि यार ईद के लिए कपड़े लेने हैं। ईद ईद ईद, यू नो, इट बिकम्स लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। सो ईद के लिए कुछ भी चीज़ आती है तो वो एक स्पेशल होती है। जैसे आपने मुझे इस तरह के कपड़ों में कई बार देखा होगा, ऐसे प्लेन कपड़ों में, बट देन ये ईद के स्पेशल कपड़े हैं तो ये मेरे लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल है। व्हाट मेक सारा खान हैप्पी, आई थिंक वर्क हार्ड पार्टी हार्डर एंड अगेन वर्क मोर हार्डर, दैट मेक्स मी द हैप्पीएस्ट। अभी जैसे मैं सुबह उठी तो मेरे 100 व्हाट्सएप मैसेजेस थे और 200 मैसेजेस थे एंड मिस्ड कॉल्स थे। सो मैंने कहा हाउ स्वीट, सो मेनी विशेस। तो अभी मैं जब गाड़ी में बैठूंगी और व्हेन आई विल स्टार्ट यू नो रिप्लाइंग टू एवरीबॉडी, क्योंकि ऑल टुगेदर इतना सब एक साथ में रिप्लाई करना बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, बट आई फील ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी विशेस फ्रॉम एवरीबॉडी, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली। इवन आई एम मिसिंग माई मॉम डैड बिकॉज दे आर नॉट हियर, डैड हैड सम वर्क तो वो नहीं आ पाए यहाँ पर, बट आई हैव माई मामा हियर, मामी हियर, किड्स एंड of course my two younger sisters, so meri puri family abhi filhal yahan hai, so I'm gonna have a blast with them. Nahi, Eid pe biryani is not really famous, wo bakra Eid pe hoti hai biryani famous, is pe hoti hai sheer, meethi cheeze like hamare yahan banaya hai mummy ne, dahi dahi bade banaye hain, then sheer banayi hai jisse roza kholte hain pure hafte ka, pure mahine ka, aur kya aur jo bhi aapke paas nahi bhi nahi yaar, it's a tyohar to jo man mein aaye khao, सब कुछ स्पेशल होता है उस दिन। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन आप अपने सारे गिले शिकवे मिटा के एक दूसरे से गले मिलते हैं, चाहे आपका दुश्मन भी हो तो भी आप अपने सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं। दिस इज़ व्हेन वी से कि आपको 3 बार हग करना होता है सारे गिले शिकवे मिटाने के लिए। तो इस दिन मैं यही चाहूँगी कि जिसके दिल में जिसके लिए जितने गिले शिकवे हैं वो सब हटा दें और खुल के दिल से मिलें, और मैं भी यही करने वाली हूँ। वैसे मेरे इतने कोई गिले है नहीं किसी से, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। तो जितने भी आपके दुश्मन हैं उन सबको बुलाइए, गले मिलाइए, बोलिए लव यू बॉस, एंड दिस इज़ द स्पेशल मैसेज फॉर ऑल। सलमान भाई की फिल्म देखें या ना देखें, सुपर हिट है ही, पता ही है वो, एवरी वन नोज कि इट्स गोना बी ऑसम, बट सिंस आई एम गोइंग फॉर शूट एंड देन फैमिली टाइम, सो नॉट एट द मोमेंट, बट यस डेफिनेटली आई विल वॉच फॉर श्योर। थैंक यू।